अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउलअलीम हुवल्गफूरुर्रहीम हुवत्तव्वाबुर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्लाह शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। पान के पत्ते के करिश्मे, पान और इसका इस्तेमाल और इसका कंज्यूमर और इसके कंजम्पशन से कौन वाकिफ नहीं। बरसग़ीर पाको हिंद में, एशिया में ये तो एक इंडस्ट्री की हैसियत रखता है और ऑल्दो इसकी हैसियत मुगलिया दौर से, दरबारों से, बादशाहों से लेकर, कदीम दौर से लेकर इजिप्ट और ग्रीक मेथडोलॉजी के हाथ से लेकर आज तक इसकी हैसियत से कोई इनकार नहीं कर सका। सो कोशिश ये है कि गाज़ी बाबा के दरबार से आपको पान के करिश्मों के बारे में आगाह किया जा सके, क्योंकि अब तक तो लोग सिर्फ़ पान को सिर्फ खाने की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कदीम ज़माने में तबीबों के यहाँ ये सोने और हीरे जवाहरात की हैसियत रखता था। फिर लोग इसे सिर्फ़ रग़बत के लिए और शौक़ फरमाने के लिए ही इस्तेमाल करने लगे। मैंने यकीन करें, तबीब और अतबा के यहाँ ये कितनी शान वाली हैसियत रखता है ये आपको सिर्फ वही बता सकता है जिसका कोई जेनेसिस में या जेनेटिक्स में या इनहेरिटेंस में तबीबों से या बुज़ुर्गों से या आले रसूल से या कदीम अतबा से जिसका ताल्लुक रहा हो वो इसकी कदर आपको बताएगा। पान को अगर शहद लगाकर उसका पेड़ा बनाकर उसको ट्रायंगल फॉर्म में फोल्ड करके दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर अगर मुंह में रख कर सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए और पढ़ने वाला ख़ुद पढ़े और पूरी यासीन शरीफ आखिर तक पढ़े, तो अगर तो पान पूरा घुल जाए तो इसका मतलब है कि जो सिफल या जो जादू उस पर था वो ख़त्म हो गया। अगर ये पान ना घुले और उसी फॉर्म में रहे तो ये इस बात की अलामत है कि तुम पर शदीद जादू है या शदीद नज़र है, इसकी काट करो और इसका इलाज करो। गाज़ी बाबा के इलाज के वो प्रोसीजर्स इस चैनल पर मौजूद हैं, आप शहज़ाद अली गाज़ी नज़र लिखकर उसको सर्व कर सकते हैं। अभी झट लोग आकर पूछ लेंगे इसका हल भी बताएं तोड़ भी, तो ना वो सब्सक्राइब करते हैं ना वो बेल आइकॉन पे प्रेस करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, तो फिर वो ये सवाल भी करते हैं। जिन्होंने ये किया हुआ है उनको सर्फ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सर्च करते हैं उनको जवाब मिल जाता है। अगर उन्हें गाज़ी बाबा के चैनल से ही जवाब चाहिए तो ये सिर्फ उसकी कंडीशन है। पान को अगर रॉ फॉर्म में छोटे नन्हे मासूम बच्चे के सीने पर अगर रख दिया जाए रात भर और उस पर कोई उसको बनियान पहना दी जाए और सुबह उतार कर उसे जला दिया जाए, तो ये सारी रात बच्चे के सीने से तनफ्फुस से जो उसकी कंजेशन है वो सख कर लेता है। दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर, लेकिन सुबह इसे जलाना लाजमी है। ये अमल 3 दिन करके बच्चे की तबीयत को, गिरी से गिरी हुई तबीयत को, खांसी बुरी से बुरी हो को गाज़ी की जूतियों के सदके बहाल कर देता है। लेकिन 3rd डे के बाद आप अगर किसी और शहर में हैं तो अपने सैयद के दरबार पर इसकी मिठाई लाजमी करना ज़रूरी है। कराची हैं तो गाज़ी बाबा हज़्बे तौफीक सलाम कर लीजिए, गाज़ी बाबा को अर्ज़े दुआ और शुक्र पेश कर दीजिए। पान को अगर आप किसी डर जाने वाले बच्चे के तकिए के ख़िलाफ़ में रख दें दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़ कर, तो तसव्वुर नहीं कर सकते 7 डेज तक आप इसे रख सकते हैं, लेकिन 7 डेज के बाद इसे जलाना लाजमी है। और जलाने के बाद हज़्बे तौफीक कुछ भी मिठाई गाज़ी बाबा कर दें कि वो बच्चा डरेगा नहीं। अगर कोई लड़की ख्वाब में या कोई लड़का ख्वाब में ड्रावने किस्म की चीज़ों की इंट्यूशंस देखती हो, ब्लड आना जाना, पकड़ना, कब्रिस्तान, पुतला, इस तरह की चीज़ें, तो सिर्फ एक शर्त है कि हालत वज़ू होनी चाहिए, यानी पाक दिनों में। इसको अपने तकिए के गिलाफ़ में इस तरह रख के सोए कि उसके गाल के नीचे आना ज़रूरी है। 7 डेज़ का अमल है, 7 डेज़ के बाद इसे दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर 21 टाइम्स जला दे
और पाक पानी में बहा दे या गहरे समंदर में बहा दे या पाक जगह दफन करके सैयद के दरबार पर 1.25 किलो मिठाई तकसीम कर दे, उसका सफल जादू टूट जाता है। यकीन करें, कदीम वक्तों में बेटी जब घर से रुखसत हुआ करती थी तो माइयों बिठाते वक्त उसको ये अमल किया जाता था ताकि रुखसत होने से पहले उसकी नज़र टूट जाए। अच्छा, पान को इस्तेमाल करने के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। लोग तो सिर्फ इसे पानदान की हद तक समझा करते थे। अगर पान को आप किसी बहुत गर्म जगह जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और बहुत ह्यूमिडिटी वाला या हाई हीट स्ट्रोक वाला फैक्टर है, तो आप पान को जेब में रख कर जाएँ, दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर, लेकिन बस एक शर्त है कि कपड़े आपने वाइट के अलावा कुछ ना पहने हो, तो आपको कभी हीट स्ट्रोक नहीं होगा। वो बहनें, वो बच्चियां, वो बेटियां जो कॉलेज जाती हैं, घर जाती हैं, या वो बच्चे जो कैप पहनते हैं, मोटरसाइकिल बहुत लंबे दूर अरसे तक चलाते हैं, वो अपनी कैप के अंदर अगर पान का पत्ता रख लें, वो क्रिकेट खेलते हैं और हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो फील्ड में जाने से पहले अगर वो पान का पत्ता कैप के नीचे रख लें या फिर स्कार्फ के अंदर रख लें, और जब आप कॉलेज में जाएँ तो उतार कर उसे वापस अपने बैग में रख लें, सिर्फ एक्सपोजर और सनलाइट में रख लिया करें, तो आप हीट स्ट्रोक से महफूज हो जाएंगे। अच्छा, पान का पत्ता एक ऐसी सरीउल असर तासीर रखता है जो कि शायद इससे पहले गाजी की जूतियों के सदके किसी ने किसी भी फोरम पर सेगमेंट पर ना बताई हो, और सिर्फ इमामजादा के दरबार से यह हदिया है। कहते हैं कि अगर कोई रिश्ता घर देखने आए बच्ची का, तो पान पर 21 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 बार या वदूदो पढ़कर आने वालों को पेश किया जाए, तो उसमें यह होता है कि अगर उन्होंने इनकार भी करना है तो वो बात टूटती नहीं है, भले तरीके से होता है, और 9 out of 10 बुरे से बुरा रिश्ता भी अपना असल निकाल देता है, यानी अपनी रियलिटी वहाँ बयान करके जाता है। वो ख़ुद भी हैरान होंगे वो क्या बयान कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की के आने वाले रिश्ते के लिए ये बहुत चैलेंजिंग बात होती है कि जो रिश्ता आकर उसके सोने जवाहरात और उसके महलात बता रहा है, और जो उनकी वालदा है लड़के की, वो सारी दुनिया की तारीफ़ें उस बच्चे की कर रही हैं और बता रही है वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा करता है, वो तो यहाँ बैठता है, वो ये करता है, तो वो सारी हकीकत उसके सामने खुल कर आ जाती है। फिर ये है कि नज़र बद और सिफल जादू वाले असरात जिस घर में हों वहाँ लड़की के रिश्ते आकर वापस विड्रॉ हो जाते हैं, ये अमल ऐसे अमलियात को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। और जब आपकी वहाँ हाँ हो जाए तो प्लीज़ इसकी न्याज कम अज़ कम 3 देख से कम नहीं है, वो आप अपने नज़दीक सैयद के दरबार पर करें, आप कराची हैं तो गाजी बाबा लाजमी करें। कहते हैं कि पान पर अगर 21 बार सूरह फलक, 21 बार सूरह नास, अव्वल आखिर 21 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अगर किसी को झूठे पर शक हो या किसी पर शक हो कि वो सच बात नहीं बता रहा है और उससे राज उगलवाने के लिए, बताने के लिए खिला दिया जाए, तो वो अपना राज 7 दिन के अंदर या ज़िंदगी में कभी उस शख्स को आकर ज़रूर बताता है जिसने उसे वो पान खिलाया था। पुराने ज़माने में जो आमिल हज़रात थे, ये बच्चियों पर जन्नात को हाज़िर करने के लिए भी ये अमल किया करते थे, या आने वाले पेशेंट्स को ये अमल दिया करते थे उनकी ज़रूरियात के लिए, जायज़ हद तक। पर लोग तो नेगेटिव तरीक़ों से इस्तेमाल करने लगे। अगेन, वो लोग जो इसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं को इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, इसके अलावा किसी और को इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने इसे नेगेटिव तरीके पे या खेल तमाशे के लिए या किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो ये बता दूँ सरकार की जूतियों के सदके वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा या होगी। अच्छा, पान को अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं तो जेब में रख कर ट्रैवल करें, तो रास्ते में नागहानी जो कॉन्वर्सेशंस हैं या लड़ाई झगड़े हैं या सफ़र की जो सऊबतें हैं वो भी आसान होती हैं। शर्त यह है कि बावजू हालत हो और दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर ट्रैवल किया जाए। कहते हैं कि पान का पत्ता दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर अगर किसी ऐसी जगह आप गए हैं जो आपको पता नहीं है और अनजान जगह है, और रात को आपने वहाँ स्टे करना है, अगर ये रख कर सो जाएँ और वो जगह
आसेब ज़दा या अफेक्टेड है या जिसे हॉन्टेड कहते हैं, तो आप वहाँ महफूज तरीके से वापस आ सकते हैं। समंदर का सफ़र पुराने ज़माने में जो लोग करते थे वो भी पान के पत्ते को रख कर इसी तरह दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर ट्रैवल किया करते थे। पुराने ज़माने में जब स्टूडेंट्स किसी इम्तिहान के लिए जाया करते थे तो यकीन करें उनकी नानी दादी उनको ये दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर ये पान का पत्ता खिलाकर भेजती थी। पूछिएगा अपनी नानी दादी से। और जब वो अच्छा करके आते थे ना तो खूब बलाएं लेती थी, उनकी खूब दुआएं देती थी और वो उनको शुक्रिया कहते थे कि वो कामयाब हो गए। अल्लाह पाक ने अपनी तासीरें इस दुनिया में नेमतें बिछाई हैं, हर चीज़ मालिक के हुक्म से है। और उसने कुरान में फरमा दिया, फैल जाओ मेरी कायनात में, तलाश करो। ये वही चीज़ है, ये वही नेमतें हैं जो अल्लाह ने बिछाई हैं। इसमें कोई शिर्क नहीं है, कोई बिदत नहीं है, ये अल्लाह की बिछाई हुई नेमतों की तलाश है। और उन्हीं में से दुनिया में कैंसर के इलाज भी हैं, लेकिन इंसान मेहनत नहीं करता, तलाश नहीं करता। पान के करिश्मों का एक और करिश्मा है, अगर आप पान के पत्ते को चांद की चौदहवीं को, जब फुल ग्लो ग्लोइंग मून होता है, अगर पान के पत्ते को सामने रखें क़िबला रुख और दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर 21 टाइम्स पढ़कर यासीन शरीफ पढ़ें और पान के पत्ते पर अपने मकसद, हुसूल मकसद का तसव्वुर करके दम करें और इस पान के पत्ते को आप किसी महफूज जगह रख दें, कलाम पाक के नज़दीक रख दें, कलाम पाक के इर्द गिर्द रख दें, पाक जगह किसी कपड़े के नीचे रख दें फॉर 40 डेज से ज़्यादा तक के लिए नहीं। उस हुसूल मकसद में अगर वो जायज़ हो तो कामयाबी होती है, लेकिन जब आपको वो कामयाबी हासिल हो जाए सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा आइएगा और उसी हिसाब से न्याज भी कीजिएगा। अगर आप किसी और शहर हैं तो वहाँ न्याज कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद या गाजी या गाजी।